नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के अंदर वीडियो क्रमांक 9 के अंदर पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जंगल की बातें। जंगल के अंदर अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जंगली जानवर हैं, तो उन जंगल के जानवरों के बारे में इस पाठ के अंदर बारे में बताया गया है कि कौन कौन से जानवर रहते हैं और जानवर क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कविता दी हुई है, उसको देखेंगे। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। जानवरों ने, जो जंगली जानवर हैं, उन्होंने एक रेल बनाई है और रेल बनाई है और वो क्या क्या खेल कर रहे हैं, क्या क्या खेल करते हुए चल रही है रेल, उसके बारे में बताया है। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पायजामा। जो हाथी है, जो मोटे से हाथी है, वो हाथी जो है वो इंजन बन गए हैं और उन्होंने कुर्ता और पायजामा पहना है। क्या पहना है? कुर्ता और पायजामा। पूंछ पकड़कर उसकी बाई, शेर चला और मस्ती चाई। जो शेर है, शेर ने हाथी मामा की पूंछ पकड़ी है और मस्ती चाई है खेल के अंदर। इंजन मामा, जो हाथी मामा है, वो इंजन बन गए हैं और उनकी पूंछ पकड़ करके पीछे शेर चल रहा है। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। जो भालू है, बंदर है, पीछे से पीछे जुटते जा रहे हैं, खरगोश है, अलग अलग प्रकार के जानवर, और डिब्बे बनते हुए एक बहुत बड़ी रेल बना रहे हैं। चीटी हिरण बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। जो हिरण है वो सीटी बजाने का काम कर रहा है। आपने रेलवे में भी देखा होगा, रेल के अंदर सीटी बजाते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, तो चीटी हिरण बजा रहा है और चीतल है वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। फिर आगे कह रहा है, रेल चली भाई रेल चली, चुप चुप करती रेल चली। यानी रेल जो है, रेल की आवाज़ चुक चुक करते हुए रेल चल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जो जंगली जानवर हैं, जो आपके पाठ के अंदर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों ने एक रेल बनाई है। जो हाथी मामा है वो इंजन बन के कुर्ता पजामा पहने हुए और अलग अलग प्रकार के जानवर जो हैं उनके पीछे पूंछ पकड़ते हुए ये रेल बना रहे हैं। तो अपने जंगल के अंदर अपनी मस्ती बिना किसी डर भय के वो अपना आनंद ले रहे हैं। तो इस पाठ के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अधिकतम बिंदु के अंदर अपना पहला जो बिंदु है वो है अभयारण्य की सैर। अभयारण्य के अंदर घूमने जाना, अभयारण्य क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। सीधा सीधा अपन समझ सकते हैं, जो जानवर है उन जानवरों का घर है वो एक अभयारण्य है। यानी एक जंगल की तरह ही होता है। जिस तरीके से जानवर जंगल के अंदर रहते हैं, जंगल के अंदर पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, पानी के लिए उनको सारी सुविधाएं जो मिलती हैं, ऐसी की ऐसी सारी सुविधाएं अभयारण्य के अंदर मिलती हैं। यानी उनका आवास कह सकते हैं, वहाँ पर उनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, उनको कोई भी मार नहीं सकता है, नहीं तो उसकी सजा हो सकती है। तो ऐसा अभयारण्य जो एक जीव जंतु, जो जानवर हैं, उनका घर कह सकते हैं, जो बिना किसी डर भय के वहाँ पर रहते हैं। तो अभयारण्य की सैर, चार भैया बहन हैं, सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी। ये चारों भैया बहन अपने मामा जी के साथ रणथंभौर अभयारण्य में घूमने जाते हैं। रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर के अंदर है, उसको देखने जाते हैं। और देखने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती है, जो गाड़ियाँ न तो धुआं करती है और न शोर करती है। इससे जानवरों के प्राकृतिक परिवेश में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ता है। यानी बैटरी वाली गाड़ियाँ, यानी गाड़ियाँ अलग प्रकार की डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाएंगे तो उसकी आवाज़ होगी, उससे प्रदूषण भी होगा। तो बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाई जाती है, जो जिसकी गाड़ी चलती है तो जानवरों को पता ही नहीं चलता है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है। आपने देखा होगा, अलग प्रकार आपने भी देखा, जी घूमने जाते हैं इधर उधर, तो बैटरी वाली गाड़ी है उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है और न धुआं करती है न शोर करती है। तो इससे जानवरों को किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, नहीं तो आवाज़ करेंगे, प्रदूषण करेंगे तो जानवर वहाँ से फिर डरेंगे। तो बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जो गाड़ियाँ न तो धुआं करती है न शोर करती है और उससे उनके प्राकृतिक परिवेश में खलल नहीं पड़ता है। फिर बच्चों के साथ एक महेश भैया भी हैं, जो वहाँ अभयारण्य के बारे में जानते हैं, जो उनको जानकारी है, गाइड के रूप में अपन कह सकते हैं, जो जानते हैं वहाँ अभयारण्य के बारे में, तो उनकी जानकारी देने के लिए। फिर अभयारण्य में घूमते हुए बच्चों ने देखा कि एक सिंकारों का झुंड है, वो घास और पत्तियां खा रहा है। क्या खा रहा है? घास और
पत्तियां खा रहा है। तो बंटी ने कहा देखो उस सिंकार जो सिंकारा है उस सिंकारे के सिंग है वो कितने बड़े वो घुमावदार हैं। तो तन्वी ने कहा कि कुछ छोटे सिंग वाले भी हैं। तो महेश भैया ने कहा कि बच्चों आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा, जो बड़े सिंग वाले सिंकारा है वो नर है, जो बड़े सिंग वाले सिंकारा है वो क्या है नर है, और जो छोटे सिंग वाले जो है वो मादा है। ये अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि सिंकारा हमारा राज्य पशु है। ये जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं। अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है और पानी की कमी होने के बावजूद भी वो अधिक संख्या में वहां पर पाए जाते हैं। ये इसलिए अपने राजस्थान का राज्य पशु है, हम सबको पता होना चाहिए। और इनकी विशेषता ये है कि ये जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं, तो हम सबको ये पता होना चाहिए। फिर अभयारण्य के अंदर बच्चे घूम रहे हैं और घूमते हुए उन्होंने देखा कि बंदरों जो बंदर हैं वो बहुत सारे झुंड के रूप में रहते हैं। तो उन्होंने पेड़ों पर बहुत सारे बंदर देखे जो एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके मस्ती कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक बच्चा छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ के चिपक गया और माँ है और उसको लेकर के दूसरी डाल पर छलांग लगा देती है, दूसरी डाल पर कूद जाती है। फिर बच्चों ने देखा कि उस बंटी ने कहा कि देखो एक बच्चा जो बंदर है वो एक बंदर दूसरे बंदर की जुए निकाल रहा है, ये आपने भी देखा होगा। तो जुए निकालते हुए उन्होंने देखा तो बंदर एक दूसरे उछल कूद करना, जो जुए निकालना, ये सारा खेल करते रहते हैं बंदर। फिर प्रकाश ने कहा कि उधर देखो गाय व हिरण जैसा जानवर है, गाय व हिरण जैसा जानवर। तो गाय व हिरण जैसा जानवर कौन सा होता है, नील गाय, जिसको नील गाय बोलते हैं। नील गाय के अंदर जो भूरे रंग की होती है, जो भूरे रंग की होती है उसको मादा बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देती है, और जो गहरे काले व नीले रंग का होता है वो नर होता है। तो ये नील गाय की एक विशेषता होगी, जो काले भूरे रंग की होती है वो क्या होती है मादा होती है, और गहरे काले जो नीले रंग वाला होता है वो नर होता है। फिर बच्चों ने देखा वहां पर सुअर देखे, वहां पे उन्होंने तो महेश भैया ने कहा कि ये जंगली सुअर है। कौन से सुअर है, जंगली सुअर है जो बहुत ताकतवर होते हैं, ये भी झुंड के अंदर रहते हैं। सारे जो ये नील गाय हैं, जो सुअर हैं, ये सारे झुंड में रहते हैं और इसके बाद खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। झुंड के झुंड खेतों में जाते हैं तो वहां फसलों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा उन महेश भैया ने बताया कि जंगली सुअर होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। फिर ये जो भी घास जो है वो ये खाते रहते हैं। फिर आप भी जांच जो भी कविता अपन ने पढ़ी है इस तरीके से अपनी कक्षा के अंदर ऐसी एक कविता आप भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो जानवर होते हैं उनकी आवाज़ें निकालना, उनका अभिनय करना, ऐसा आप भी कर सकते हैं, हम सबको करना चाहिए। फिर इसके अंदर आप प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बनेगा पहला कि आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है, जो झुंड में समूह में रहते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। जो अभी अपन ने पढ़ा जैसे नील गाय है, सिंकारे हैं, बंदर हैं, सुअर हैं, ये सभी झुंड में रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं, जो शेर है, चीता है, बाघ है, भालू है, ये जानवर है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि झुंड में रहने से जानवरों को क्या फायदे होते हैं। तो जानवर झुंड में रहते हैं तो वो अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, पहला फायदा तो उनको ये होता है कि वो अपनी सुरक्षा कर पाते हैं और अपना जीवन यापन करने में उनको सुविधा रहती है, किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, कोई भी उनके ऊपर संकट आता है तो वो झुंड में रहेंगे तो अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, संगठन में शक्ति है ऐसा अपन मानते हैं। तो संगठन में रहेंगे, झुंड में रहेंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये अपने जीवन में भी नियम होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न बनेगा चिंकारा, नील गाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बतानी है। जो अभी अपन ने विशेषता पढ़ी, चिंकारा की विशेषता पढ़ी कि ये जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं, कहीं पानी की कमी है तो इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, जल की कमी होने पर भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि जो बड़े सींग वाले होते हैं वो नर होते हैं और छोटे सींग वाले होती है वो मादा होती है, जो बच्चों को जन्म देती है, हम सबको ये पता होना चाहिए।
फिर दूसरा पढ़ा नील गाय की विशेषता, तो नील गाय की विशेषता क्या पढ़ी, जो भूरे रंग की होती है वो मादा होती है, जो भूरे रंग की होती है वो क्या होती है, मादा, जो बच्चों को जन्म देती है, और गहरे काले नीले रंग वाला होता है वो नर होता है। फिर बंदर की विशेषता, तो बंदर है वो झुंड में रहते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं और ये झुंड में रहते हैं। फिर जंगली सुअर की विशेषता, तो जंगली सुअर भी झुंड में रहते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं, जंगली सुअर होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रश्न बनेंगे जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे, इसको अपनी कॉपी के अंदर व्यवस्थित जमा करके साफ सुथरा सुंदर अक्षरों में इसको लिखना है। इसके अंदर पाठ के अंदर जो अपन ने पढ़ी, चार प्रकार के जानवरों के बारे में अपन ने पढ़ा, एक तो चिंकारों के बारे में पढ़ा, जो अपना राजस्थान का राज्य पशु है, हम सबको पता होना चाहिए कि जल की कमी होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं, अपने पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। फिर बंदरों के बारे में, बंदर तो अपने आसपास भी अपन देखते ही रहते हैं। फिर गाय व हिरण जैसा जानवर नील गाय के बारे में पढ़ा, और चौथा पढ़ा सुअर, जो जंगली सुअर के बारे में, आपको इधर उधर भी सुअर दिखाई देते होंगे, तो इन जानवरों के बारे में अपन ने पढ़ा, हम सबको ये पता होना चाहिए। फिर जंगल के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो रहते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं, जो अपन घरों में भी जैसे अपने पालते हैं वो पालतू जानवर कहलाते हैं, और जंगलों में रहते हैं वो जंगली जानवर कहलाते हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए। जैसे गाय भैंस बकरी ये अपने पालतू जानवर है जिसको अपन पालते हैं, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। तो इस पाठ के अंदर जितनी सारी बातें अपन ने पढ़ी हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।